श्री मोहम्मद शामी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। श्री मोहम्मद शामी को क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री मोहम्मद शामी, स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए आज का दिन बेहद खास है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक समारोह में वार्षिक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी नामित खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। मोहम्मद शमी को ये पुरस्कार क्रिकेट में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया है। अर्जुन पुरस्कार का राष्ट्रीय सम्मान मिलने से मोहम्मद शमी काफी खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पुरस्कार ग्रहण करने से पहले इस पर बात करते हुए वो भावुक हो गए और इस सम्मान के लिए पूरे देश को धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो थैंक्स कि ये अवार्ड एक यार ड्रीम है कि पूरी लाइफ में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ये अवार्ड मिल रहा बहुत खुशी की बात है। प्राउड फीलिंग है एकदम, लाइक ऐसा होता है कि हाँ एक सपना देख रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज है। एक फ्यूचर में लोग, मैं क्या कोई भी लोग, पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम लोग अवार्ड्स को देखते रह जाते हैं, मिलते नहीं, तो ये तो एक ड्रीम की तरह है। वर्ल्ड कप उन्होंने कवर किया, पूरे आपके लिए शानदार वर्ल्ड कप गया, आप परफॉर्मेंस के बाद आपके फैंस आपको काफी मिस कर रहे हैं, तो आपकी इंजरी में कुछ ऐसा देना चाहेंगे, कब आप क्रिकेट मैदान में देखने को बिठा आपके? देखिए, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है यार, इंजरी होना नहीं होना, थोड़ा सा टाइम लग जाना, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो फैंस का जो प्यार मिला है, जो पब्लिक ने प्यार दिया है, वो सर आंखों पे है। और कोशिश यही रहती है कि जितना जल्दी हम ग्राउंड पे जा सके, जितना जल्दी हम कम बैक कर सके, अपनी टीम के लिए भी अच्छा और खुद के लिए भी अच्छा। इंग्लैंड सीरीज आ रही है, एक ऐतिहासिक दौर होने वाला है, बहुत लंबे दौर पे इंग्लैंड आ रही है इस बार, तो आप उस दौरे को वापसी करेंगे, पूरी उम्मीद हम भी लगा रहे हैं, तो कैसा रहेगा, क्या कुछ देख रहे हैं आप इस दौरे को? देखिए, मैं कुछ नया तो नहीं सोचता हूँ, मैं हमेशा यही सोचता हूँ, अगर मैं फिट हूँ तो मेरे रिजल्ट खेलने के आपको भी दिखेंगे, पब्लिक को भी दिखेंगे। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैं उसको पूरा करूँ। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा, बड़ी टीम के खिलाफ आपकी होम कंडीशंस हैं, वो आपको हेल्प करती है, तो बहुत जरूरी है कि अच्छे माइंडसेट के साथ, अच्छा फिटनेस के साथ आपको ग्राउंड पे उतरना चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट में रहना चाहिए। साउथ अफ्रीका में सबसे छोटा टेस्ट मैच खेला गया, बॉलर ने काफी शानदार प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं आपने मिस किया उस कार्ड के ऊपर। देखो, ये चीज आप भी इंजॉय कर रहे हैं, क्राउड भी इंजॉय कर रहा है, हमारी जो टीम को जो सपोर्ट मिला है पिछले 4-6 महीने में, जो देखने को मिला है चेंजेस, और जो लोगों ने बातें की हैं, जो पहले बातें करते थे कि हाँ बैटिंग, इंडियन एक बैटिंग टीम है, लेकिन आज को आज डरते हैं लोग, हाँ आज बॉलिंग टीम भी है, तो ये उसी के रिजल्ट है, मेहनत है और बस लोगों की लगन है। आगे वाली है कि आप देश के लिए आप भी काफी कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अपने देश में बढ़ावा दिए टूरिज्म को भी, आप उसमें क्या कुछ कहना? देना चाहिए यार, क्योंकि देश किसी भी राह पे आगे जाए वो सबके लिए अच्छा है, एक ही इंसान के लिए नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला है, वो हमेशा कोशिशें कर रहे हैं कि हम आगे बढ़े, तो ये चीज हमें भी सपोर्ट करनी चाहिए, लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए इस बारे में कि हमारा देश किस वे में कैसे आगे जाएगा, तो ये सोचने की बात है।